एक साल कबल 7 अक्टूबर को हमास के जंगजुओं ने इसराइली इलाकों पर हमला किया जिसमें 1200 से ज़ायद इसराइली मारे गए। इसराइल हमास जंग में अब तक 43,000 अफराद हलाक हो चुके हैं जिसमें 41,000 फलस्तीनी और 1700 से ज़ायद इसराइली शामिल हैं, जबकि 100 से ज़ायद सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स और आलमी इमदादी इदारों के मुलाजमीन भी शामिल हैं। जंग उस वक्त शुरू हुई जब हमास के अस्करियत पसंद ग्रुपों ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर अचानक हमला किया जिसमें एक रॉकेट बैराज और चंद हज़ार अस्करियत पसंदों ने गजा इसराइल रुकावट को तोड़ते हुए इसराइली शहरी इलाकों और फौजी अड्डों पर हमला किया। हमास ने कहा था कि इसका यह हमला इसराइल के मुसलसल कब्जे, गजा की नाकाबंदी, बस्तियों की तोसी, इसराइल की जानिब से बैन अल-अक़वामी कवानीन को नज़रअंदाज करने के साथ साथ मस्जिद अक्सा को लाहक मुबैना खतरात और फलस्तीनियों की अमूमी हालत ज़ार के जवाब में है। 7 अक्टूबर के हमलों ने बेहतरीन इंटेलिजेंस के लिए इसराइल की साख, इसराइली अवाम की इज्तमाही नफ्सियात और इसकी डेटरेंस हिकमत अमली की साख को जबरदस्त धचका पहुँचाया है। इस वक्त अमेरिका, कतर और मिस्र जंगजुओं से मुआहदा चाहते हैं। कुछ ऐसे मुआहदे हैं जिन्हें इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का दाएं बाजू का इत्तेहाद कबूल करेगा और हमास के रहनुमा याहिया सिनवार को भी काबिले कबूल होगा। हमास की क्यादत में जनूबी इसराइल पर हमलों के दौरान 239 अफराद को यरगमाल बना लिया गया। नवंबर में आर्दी जंग बंदी के एक हिस्से के तौर पर हमास ने इसराइली जेलों में कैद 240 फलस्तीनी कैदियों के बदले 105 असीरों को रिहा किया। मरने वालों के अहले खाना नेतन्याहू और इनकी हुकूमत पर इल्जाम लगाते हैं कि वो गजा में अब भी मौजूद लोगों को घर लाने के लिए मुआहदे पर राजी होने से इनकारी हैं। 20 मई 2024 को ICJ ने इसराइली और हमास के रहनुमाओं के खिलाफ जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्ज़ाम में वारंट गिरफ्तारी जारी किए। एक साल बाद भी गजा में जारी जंग अपने अरूज पर है। इसराइल की ईरान या लिबनान के साथ जंग किसी भी वक्त बड़ी जंग में तब्दील हो सकती है। बहरहाल अमन की सारी कोशिशें अब तक नाकाम हैं।